हेलो दोस्तों, एसएम फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंग, जिसका डायग्राम कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अंदर भी आपको पूरी तरीके से कर्व मिलेगा और बाहर वाले सरफेस पे भी आपको पूरी तरीके से कर्व देखने को मिलेगा। तो बैंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, बैंड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, और इसमें जो पहला आता है वो होता है शॉर्ट रेडियस का बैंड, जिसका मतलब जो होता है पाइप का जो डायमीटर होता है वो 4 इंच अगर आप लेते हो तो जो इसका बैंड रेडियस होगा वो 4 इंचेज ही होगा। ये होता है शॉर्ट रेडियस का जो बैंड आप बनाते हो उसके लिए ये कैलकुलेशन होती है। उसके बाद आता है मीडियम रेडियस। तो अगर इसके लिए आपको 4 इंच का जो पाइप का डायमीटर आप लेते हो तो उसमें आपको क्या करना होता है कि जो आप पाइप का रेडियस लेते हो, बैंड का रेडियस लेते हो, तो उसमें आपको 6 इंच रखना होता है। और जब आप लॉन्ग रेडियस का जब आप बैंड बनाते हो तो लॉन्ग रेडियस के बैंड में अगर 4 इंच का अगर आपका पाइप का डायमीटर है तो उसमें क्या करना होता है कि जो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि इसमें आपको इसका 2 गुना करना होता है। 2 गुना मतलब 4 इंच का अगर आपको लेना है पाइप का डायमीटर तो उसका जो बैंड रेडियस होगा वो 8 इंच, 12 इंच, 16 इंच और 20 इंचेस के फॉर्म में आपको ये बनाना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इतना समराइज कर दिया आपको, ये चीज आपको कौन सा बनाना है ये आप डिसाइड करो। और हम बनाने वाले हैं मीडियम बैंड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 1.5 गुना होता है, जो भी आपका बैंड का जो रेडियस होता है वो पाइप के डायमीटर से 1.5 गुना होता है। तो हम इसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे और ये मैं आपको डायमीटर में दिखा देता हूं। जो पाइप का ये जो डायमीटर है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो बैंड का यहां से लेके पाइप के सेंटर से और यहां तक ये 9 सेंटीमीटर हमने इसको मान रखा है बैंड का रेडियस। तो आपको लग पता चल ही रहा होगा कि 6 सेंटीमीटर और यह 9 सेंटीमीटर मतलब 1.5 गुना है। तो हम इसी के हिसाब से फैब्रिकेशन अपना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेशन अब देखेंगे। तो हमने इसके लिए मीडियम रेडियस के जो बैंड के लिए हमने जो कैलकुलेशन करनी थी, हमने एक स्ट्रेट लाइन मान ली है। और स्ट्रेट लाइन मानने के बाद से हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर का हम डायमीटर इसमें लेंगे, भरेंगे 3 सेंटीमीटर का, और किसी भी लकीर पे रख के सेंटर पे एक ऐसे चाप चला देंगे, ऐसे 3 सेंटीमीटर का। तो जो हमारा पाइप का जो डायमीटर होगा वो आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये, क्योंकि हमने रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर माना है तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हम 6 इक्वल भाग में डिवाइड कर लेंगे। 6 इक्वल भाग में डिवाइड करने के लिए जितना आपने चाप भरा था सेम दूरी से आपको ऐसे, ये बेसिक जो चीजें हैं ये आपको हमारी पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके विजिट कर लेना, वीडियोस काफी हेल्पफुल हैं वो वीडियोस भी, तो आप वहां से देख सकते हो। और इसके बाद इसको यहां से मिला देते हैं हम, एक बार उनमें मेजर कर लेता हूँ, फिर ये सेंटर मान के यहाँ से एक चाप इधर और दूजा इधर चला देते हैं। इसके बाद हम सारी लाइंस को पैरेलली मिला देते हैं। पैरेलली मिलाने के लिए आप ट्रांसपेरेंट स्केल का यूज़ कर लें ताकि आपको एक अनुमान मिल जाए कि आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं या नहीं है। ये पैरेलल लाइंस आप बना सकते हो ऐसे, और ये एक साइड का हमने पूरा कर दिया, दूसरे साइड का हम देखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके लिए जो हमें फैब्रिकेशन करना है उसके लिए हमें जरा सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपको पहले इधर बता दें कि जो आउटर सरफेस है ये वाला, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम इनर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं आउटर के लिए कैलकुलेशन।
तो कैलकुलेशन के लिए आउटर जो सरफेस के लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसमें क्या होता है कि पाइप रेडियस प्लस बैंड रेडियस। पाइप रेडियस आपका डायमीटर जो था 6 था, तो जो उसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर, और जो बैंड का जो रेडियस था वो था आपका 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर हो गया तो इसको हम, जब 12 सेंटीमीटर आ जाएगा फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूले का अकॉर्डिंग होता है। तो ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझाना मेरे को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि जो आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई मतलब 3.14। तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये 18.84 सेंटीमीटर होगा। अब जब आप कल्ली बनाओगे तो कल्ली बनाने समय इसको 4 पीस में डिवाइड करना है, तो इस चीज़ को हमें क्या करना है कि 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 पीस में हमको इसको बनाना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4.71 आएगी। अब चूंकि इतना करने के बाद से आपको क्या करना होता है कि इसको जो ये 4 कल्ली के लिए आप निकाल रहे हो तो कल्ली का भी आधा लेंगे हम, आधा करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधे कल्ली के लिए हम करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.355 आएगी। तो ये जो होगा, ये वैल्यू जो होगी, इसको अभी हम बाद में आपको बताएंगे ये वैल्यू कहाँ भरी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आउटर सरफेस के लिए। अब इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे इनर सरफेस के लिए, तो मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे। इसके बाद हमें क्या करना है कि इनर सरफेस के लिए जो हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन सेम रहेगी, बस पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि हमने इसमें क्या किया था, पाइप रेडियस प्लस बैंड रेडियस किया था, बट इसमें क्या होगा, बैंड रेडियस माइनस पाइप रेडियस होगा। तो जो बैंड रेडियस था हमारा 9 सेंटीमीटर, और जो पाइप का रेडियस था वो था 3 सेंटीमीटर। तो ये ऑलरेडी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जैसा कि हमें मिला था, उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम वही रहेगा। फिर इसको क्या करेंगे, जितना भी हमें वैल्यू मिलेगी उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी, और 3 सेंटीमीटर जो आएगी उसको हम फिर क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3.14। पाई की जो ये वैल्यू होती है ऊपर वाले में मैंने बताया था, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगा 9.42। अब चूंकि इसको भी 4 भाग में डिवाइड करना है, 4 भाग में 4 पीस के लिए, तो इसको भी हम 4 से कल्ली के लिए जो पीस होती है उसको डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.355। और इतना करने के बाद से इसको 2 से कल्ली को आधा करना है हमें, कल्ली का जो पीस होता है उसको आधा करना है, तो फिर इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.177। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा था तो मैं डायरेक्ट इसको फिल कर दूंगा। ये हो गया हमारा इनर सरफेस के लिए और ये हो गया आउटर के लिए। अब हम इसको बताएंगे इसकी वैल्यू को भरना कहाँ है, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्केल पे आपको ये दूरी जो है 2.355, मैं 3 से ले लेता हूँ, ये हो गया 1 तक 2, और उसके बाद है 355, मतलब तो इसके पास अगर आपको 2 लेना है तो मैं एक्चुअली 20 से यहाँ से ले लेता हूँ, ये 18 तक हो गया 2, और इसके बाद ये 3 और 55, मतलब इसका हाफ। तो ये वैल्यू आपको ऐसे भर लेनी है, और यहाँ से आपको ऐसे एक छोटा सा चाप चला देना है राइट साइड में, या आप लेफ्ट भी ले सकते हो, बट आपको फिर, और उसके बाद जब इनर सरफेस के लिए हम निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू थी 1.177, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया 1, ये 1 हो गया 1.177, मतलब 2 के आसपास तक ही जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू, इसकी हमने यहाँ पे भर दी, और यहाँ से रख के यहाँ पे एक छोटा सा चाप चला देंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको यहाँ से ऐसे दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ये हो गया। उसके बाद हम इसके लिए आगे का फैब्रिकेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको 18.84 की एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है,
सेंटीमीटर की, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपका पाइप का डायमीटर है, ठीक है, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है पाई का, पाई मतलब 3.14, तो आपको ये वाली जो वैल्यू है ये वाली मिल जाएगी। इतनी आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इसको 12 भाग में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो इक्वली मैं डिवाइड कर लेता हूँ। इसके बाद जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी, इसको हमने बताया था 12 भाग में आपको डिवाइड करना है, तो ये 12 भाग में मैंने ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लिया और उसके बाद वो सारी लाइनों को पैरेलली एक दूसरे के साथ ऐसे ऊपर से नीचे तक खींच दिया। उसके बाद मैंने इसमें जो था ओवरलैप मान लिया, एक एक सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर आप अपने हिसाब से मान सकते हो। इसके बाद अब हमें जो इस साइड पे, उसके बाद से जो इस साइड पे हमने ये जो कैलकुलेशन किया था और ये जो फैब्रिकेशन के लिए हमें जो मेजरमेंट किया था उसके लिए हमें करना है, तो सबसे पहले ये जो सेंटर है, सेंटर वाले को हम यहाँ पे ऐसे मेजर कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो सातवीं लाइन है वहाँ पे ऐसे चला देने, और पहली लाइन और आखिरी लाइन पे भी सेम ही जाएगा। ये हो गया, ऊपर नीचे भी हम इसको मारते चलेंगे साथ में, ठीक है। और ऊपर नीचे भी हो गया। उसके बाद क्या करना है कि ये जो सबसे लंबी वाली जो आपकी लेंथ है ये वाली, इसको यहाँ पे ऐसे भरना है और यहाँ से काउंट करना है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे ऐसे भर लेना है और इसके बाद नीचे भी ऐसे कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे तक आएंगे सेंटर तक, धीरे धीरे जो दूरी है ये कम हो रही है, वो क्या करना है कि ये जो 4 नंबर हमने माना था, ये 4 नंबर इसके जस्ट बगल में यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे कर लेना है, और इसके बाद इसके बगल में यहाँ पे और इसके ऊपर पे भी ऐसे कर लेना है। इसके बाद जो लास्ट वन है ये वाली, इसको हमें इसके बगल में भरना है ऐसे, और ऐसे चला देनी है, और ये हो गया। और सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा एक साइड का हो गया। अब दूसरे साइड के लिए हमें क्या करना है कि ये जो सबसे छोटी वाली जो दूरी है ये वाली, इस साइड को, इसको हमें क्या करना है कि इधर से काउंट करना है 1, 2, 3, 4 फोर्थ वाली पे ऐसे क्रॉस करना है, और इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, ये दूरी थोड़ी सी बढ़ी हुई आपको मिलेगी, जो सबसे छोटी वाली थी उसके सेंटर से बगल में इधर, और ये हो गया। और सेम काम आपको ये और ये हो गया। उसके बाद से लास्ट वाली जो दूरी है ये वाली, ये आपको फिर जो लास्ट आपको बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भर देनी। इसके बाद ये और ये हो गया। इसके बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इस सारे पॉइंट्स को ऐसे करके एक वेव के फॉर्म में ऐसे मिला देना है। मैं मिला के इसके बाद इसको कट कर लूँगा। इसके बाद से ये सारे पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है, और इसी को, इसी लाइन पे मैं कटिंग करने वाला हूँ। इसको सारा कट करके फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। इसके बाद हमने ये जो कटिंग किया है ये वाला, ये आप देख रहे हो, इसकी सेम सेम हमने कॉपी बनाई है, 2 और कॉपी हमने बनाई है, ये देखिए। तो ये 3 पीस हो गए, और इसके बाद एक और हाफ जो होता है, जो नीचे के पोर्शन में बचा हुआ था, ये इसका हाफ होता है, ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ होता है, इसकी भी हमने 2 कॉपी बनाई हुई है, हाफ हाफ, मतलब ये एक फुल हो जाएगा लेकिन लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसको हम मिला के दिखाते हैं कैसे ये फाइनल बन के रेडी होगा। और जब फाइनल आपका जो बैंड बन के तैयार होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, और ये देखिए ये जो होगी हाफ पीस ये थी, और हाफ पीस ये वाली जो थी हाफ पीस थी, और ये 3 फुल पीस थे, तो मतलब 4 पीस में ही आपका पूरा बन के तैयार हुआ है जिसके लिए आपने कैलकुलेशन किया था। और ये आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ऐसे आप भी बना सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सबको ये चीज़ बनाने का तरीका पता चल जाए। थैंक।